हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी थ्योरीज की, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है। चलिए एक बार सिलेबस में आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोगों का ये 15 पर आप लोग देख सकते हैं, 15 नंबर पे। यहाँ पे आप लोग लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, इसे आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने के साथ में आप लोगों को ये देखना है, जो सीरीज है, जो हिस्ट्री है, वो आप लोगों को अगर एक लाइन से याद हो जाती है तो चीज़ें आप लोग लंबे टाइम तक भूलते नहीं हैं। बेसिक चीज़ें आप लोगों को अगर पता है तो एडवांस तक जाना ईजी हो जाता है। तो जो ये PDF है आप लोगों की, इसे आप लोग क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 35 पेजेस की है, ठीक है, तो 35 पेजेस अगर एक वीडियो में हो सकता है तो मैं आप लोगों को पूरी PDF एक बार पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बट इन केस अगर आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ा पाया तो सेकंड पार्ट आप लोगों को बताऊंगा इस PDF में क्या क्या है, ठीक है। तो ये एज अ गाइड अभी मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट बना रहा हूँ, बाकी चीज़ों में तो आप एज अ गाइड यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पूरी स्टडी के लिए, पूरे सिलेबस के लिए, तो आप लोगों को इसमें नोट्स पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी एक सेल्फ हेल्प गाइड का काम करेगी ये वीडियो और ये वाली जो PDF है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, इसकी जो मीनिंग है, रूटेड इन द वर्क्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स। तो बात आती है, जब क्लासिकल की बात आती है इंग्लिश लिटरेचर में, तो ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर उनकी बुक्स की बात आती है। इनका जो फोकस था प्रिंसिपल ऑफ एस्थेटिक्स, फॉर्म एंड मॉरल पर्पस। उसके बाद आ जाते हैं कुछ की फिगर्स, यहाँ पर आप लोगों को स्टडी करने पड़ेंगे, एरिस्टोटल, प्लेटो एंड होरेस, ये आप लोगों को स्टडी करने हैं। इसमें एक दो और हैं, उनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट, जब डिटेल हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, टीचिंग करवाएंगे, तो उसमें आप लोगों के सारे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स, इसमें एरिस्टोटल, इनकी पॉइटिक्स जो बुक है उसके बारे में, प्लेटो, रिपब्लिक एंड होरेस। चलिए आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी हम थ्योरीज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सिलेबस में आपकी दो चीज़ें हैं, थ्योरी है और क्रिटिसिज्म है। तो देखिए, जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं किसी चीज़ का, तो वही जाके आगे जाके क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वही जाके आप लोगों की थ्योरी बन जाती है। तो दोनों चीज़ें लगभग साथ साथ चलती हैं, तो हम लोग साथ में अगर देखते हैं तो ईजीली उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। प्लेटो की बुक है आपकी रिपब्लिक की, आर्ट्स पोएटिका होरेस की है। यहाँ पर उन्होंने इसमें 3 पार्ट्स में बनाया था अपनी जो भी उन्होंने थ्योरीज दी थी। ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आर्ट्स पोएटिका का एक डिटेल्ड वीडियो, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। मिडिवल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका मीनिंग देखते हैं, बेस्ड ऑन रिलीजियस टीचिंग्स, मॉरल लेसन्स, दो चीज़ें थी यहाँ पर, रिलीजियस थी प्लस आप लोगों का मॉरल लेसन्स पर ये बेस्ड होती थी। इंटरप्रेट्स लिटरेचर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी, यहाँ पर क्रिश्चियन थियोलॉजी को फोकस करके चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है। एंड दांते आप लोगों का यहाँ पर की फिगर्स आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक के अगर हम बात करें तो दांते की लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, डिवाइन कॉमेडी एंड ऑगस्टाइन की आपकी कन्फेशंस। रेनेसा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। और 3 वीडियो जो अभी तक की आई हूँ इसी तरह से आई हैं, बाकी आप डिटेल नोट्स के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। रेनेसा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मीनिंग एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ह्यूमनिज्म आ जाता है और क्लासिकल लर्निंग आ जाती है। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एस्थेटिक एंड फॉर्म, की फिगर्स कौन कौन से थे, सर फिलिप सिडनी आ जाते हैं एंड जियोवानी बोकैसियो आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट इनके इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स, इनकी जो फर्स्ट बुक थी 1595 में पब्लिश हुई थी, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, और अगर आप इसमें ओरिजिनल टाइटल देखेंगे तो पोइजी आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, एन अपॉलजी फॉर पोइजी, तो पोइट्री के लिए उन्होंने लिखा था। यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है, ठीक है। और इन्होंने जो स्टीफन गॉसन्स थे, वैसे हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्टीफन गॉसन्स ने एक बुक लिखी थी स्कूल ऑफ अब्यूज, ठीक है, स्कूल ऑफ अब्यूज में उन्होंने कहा था कि जो पोइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रीडर्स ऑफ लाइज। तो ब्रीडर्स ऑफ लाइज मतलब एक फेक नैरेटिव सेट करते हैं, झूठ फैलाते हैं सोसाइटी में, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो पोइट हैं वो क्या है, सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने, स्टीफन ऑफ गॉसन्स ने अपनी बुक स्कूल ऑफ अब्यूज में कही। उसके बाद आते हैं सिडनी, वो खुद एक पोइट थे, उन्होंने क्या किया, एक अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखी, मीन्स अपना एक डिफेंस तैयार किया। तो चलिए आगे चलते हैं, ये आप लोगों का बैकग्राउंड है, बाद में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं बोकैसियो की, आपका जेनिलोजियो डियोरम जेंटिलम, ये उनकी बुक थी। न्यू क्लासिकल लिटरेचर लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फोकस ऑन ऑर्डर डेकोरम एंड रेस्ट्रेंट। देखिए न्यू क्लासिकल जो थे वो चाहते थे कि जो पोइट्री थी
है, धीरे धीरे पोएट्री का जो फ्री वर्ड्स आ गए उसमें कोई रिदम नहीं है, पैटर्न नहीं है, उन चीज़ों को हटाकर उन्होंने सोचा कि दोबारा से हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेकोरम एंड रेस्टोरेंट लाएंगे, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया था क्लासिकल रूल्स और यूनिटीज को, ठीक है। तो इसलिए उन्हें क्लासिकल लिटरेचर को फॉलो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, क्लासिकल लिटरेचर को फॉलो कर रहे थे, इन्हीं इसीलिए उनको न्यू क्लासिकल बोला जाता है, मतलब नए क्लासिक्स, न्यू क्लासिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं की फिगर्स जो थे, अलेक्जेंडर पोप आ गए, जॉन ड्राइडन हो गए, इन्होंने एक क्लासिकल रूल्स एंड यूनिटीज को फॉलो करके लिखने की कोशिश की थी। इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स, अलेक्जेंडर पोप की एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1709 एंड जॉन ड्राइडन की एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, ये उनका वर्क था 1668 में। पूरी सीरीज से आप लोगों को ये सारे वर्क्स मिल जाएंगे, आप उन्हें रट सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आएंगे। रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें आपका देखे तो वहाँ इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट दिया था। देखिए इससे पहले अगर हम देखें न्यू क्लासिकल में, तो होता क्या है कि कभी भी आपने देखा होगा परिवर्तन, चाहे समाज में हो चाहे कहीं पर हो, परिवर्तन क्या होता है, किसी चीज़ के अपोजिट में जाके होता है। मतलब हम जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अति हो जाती है, जैसे कि ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो कर रहे थे जो पोप वगैरह थे, वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो कर रहे थे, तो फॉलो रूल को फॉलो करते करते कभी कभी हम क्या हो जाती है, चीज़ें बोरिंग हो जाती है। बड़ा इजी उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप लोगों को समझ में आए, अगर आप लोगों ने कभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी चीज़ें, है ना। तो क्योंकि इनकी चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो होता हुआ क्या कि जो पोप वगैरह थे उन्होंने क्या किया, रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया, चीज़ों को अपने साथ के जो पॉइंट थे उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अगर उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किया, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उन्होंने की। तो उसके बाद आए अपने विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे इमोशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इतना ज़्यादा रूल बम्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इमेजिनेशन इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअलिज्म इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें डाली और वहीं से रोमांटिक जो पीरियड था, लिटरेचर था, वो शुरुआत हो जाती है। रिएक्शन अगेंस्ट न्यू, देखिए यहीं पर जो बात मैंने अभी आपको कहा कि एक रिएक्शन था ये किसके, न्यू क्लासिकल ऑर्डर के और रेस्टोरेंट के, जो बातें चल रही थी कि सारी चीज़ें ऑर्डर से होनी चाहिए, वहां से हट के क्या हो गया, फिर वो हटने लगे, रिएक्शन था न्यू क्लासिक्स क्लासिकल ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे की फिगर्स कौन कौन से थे आप लोगों के, वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलरिज, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। मतलब ये बुक्स तो आपको करनी करनी है, प्रीफेस बायोग्राफिकल लिटरेरिया, तो दोनों ने क्या किया था, अपने अपने जो आइडियाज दिए थे वो इन बुक्स में दिए थे। अब यहाँ पे प्रीफेस को लेकर बैलेट्स, ये देखिए ये रिलेटेड है, ठीक है, ये क्रिटिसिज्म से रिलेटेड बुक है 1800, जो 1978 वाली। अब कई सारे बोलेंगे कि ओके जो लेकर बैलेट्स था वो 1798 में होता, 1798 में रूल्स नहीं थे, मतलब बुक्स लिखी थी उन्होंने, उन्होंने पोएट्री लिखी थी इसलिए ये पोएट्री की बुक थी, लेकिन जो क्रिटिसिज्म वाली थी वो लिरिकल बैलेट्स का जो प्रिफेस था वो था, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फोकस ऑन मॉरल पर्पस एंड सोशल इश्यूज, यहाँ पे मॉरल पर्पस और सोशल इश्यूज पे बहुत ज़्यादा यूज किया गया। आप लोगों ने देखा होगा जो विक्टोरियन लिटरेरी लिटरेचर था उसमें नॉवल बहुत ज़्यादा आ गई थी, है ना, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा रीडिंग करने लगा था, तो बहुत ज़्यादा इससे बूम आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गए थे। यहाँ पे कुछ की फिगर्स थे आप लोगों के, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन रस्किन, ये आ गए थे आपके मॉडर्न पेटर्स एंड मैथ्यू अर्नोल्ड, कल्चर एंड अनार्की, ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्निस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड कन्वेंशंस, एम्फेसिस ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप लिए लिटरेचर में आ गई। की फिगर्स कौन कौन से थे, टी एस इलियट एंड वर्जीनिया वुल्फ, इंपॉर्टेंट राइटर्स बुक्स, टी एस इलियट की द सेक्रेट वर्ड 1920, वर्जीनिया वुल्फ की रूम ऑफ वंस ओन। स्ट्रक्चरलिज्म, इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, स्ट्रक्चरलिज्म अपने आप में क्या है, ये क्या करता है, फोकस करता है अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स इन टेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल्स, की फिगर कौन कौन से, फर्डिनेंड डी सोसर एंड रोलेनबार्ग, और भी हैं इनमें हम ऐड करने वाले हैं एटलीस्ट 10 to 8 to 10, बट एटलीस्ट ये आप लोगों को थोड़ा सा एक तरह से आप कीवर्ड ले सकते हैं, ठीक है, टाइम का आइडिया लेने के लिए किस पीरियड में हम बात कर रहे हैं। फर्डिनेंड डी सोसर की बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स आ जाती है, और रोलेन बार्थ का माइथोलॉजी आ जाता है 1957 में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म
चैलेंजेस स्ट्रक्चरलिज्म एम्फेसिस ऑन फिक्स्ड मीनिंग। देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था, यहाँ पे फिक्स मीनिंग को उन्होंने क्या किया था, एम्फेसिस किया था। एम्फेसिस ऑन फ्लूडिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग, यहाँ पे आ जाता है की फिगर्स आपके जैक्स डेरिडा हो जाते हैं, माइकल फुको हो जाते हैं, ठीक है, माइकल फुको। इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स, जैक्स डेरिडा ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967, माइकल फुको द आर्कियोलॉजिकल ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969। उसके बाद आ जाती है आप लोगों की मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फोकस ऑन क्लास क्लास स्ट्रगल इकोनॉमिक पावर एंड आइडियोलॉजी। जो मार्क्स की थ्योरी है वो क्लास स्ट्रगल के बारे में ही है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में है, ये आपका मार्क्सिस्ट में ही सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एनालिसिस ऑफ लिटरेचर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी, तो मार्क्स जो थे वो अपने आप में एक तरह से सोशल चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च की थी, उन्हीं पर उनकी सारी थ्योरीज थी। कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक जेम्सन हो गए, ये हमें स्टडी करने हैं। इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड बुक्स, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल 1867, फ्रेडरिक जेम्सन द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस 1981, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें जेंडर रोल्स हम लोग देखते हैं, पावर डायनेमिक्स देखते हैं, कहाँ पावर स्टैब्लिश करती है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। एनालिसिस ऑफ लिटरेचर फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सिमन डी बेवियर एंड एलिन सॉल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमन डी बेवियर का द सेकंड सेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है आप लोगों का, इस अगर हम फेमिनिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं, एंड सेकंड है आपका एलिन सॉल्टर, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977। साइकोअनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें आप लोगों को स्टडी करनी है, एनालिसिस ऑफ लिटरेचर थ्रू द लेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड अनकॉन्शियस मोटिव्स, फोकस ऑन कैरेक्टर्स इनर लाइव्स एंड सिम्बॉलिक मीनिंग्स। की फिगर्स कौन कौन से हैं, सिगमंड फ्रायड एंड जैक्स लैकन। सिगमंड फ्रायड की जो बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1899 में पब्लिश हुई थी, जैक्स लैकन की एक्राइट है वो आपकी 1966 में होगी। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म मीनिंग, फोकस ऑन लिटरेचर फ्रॉम फॉर्मली कॉलोनाइज्ड कंट्री, ये आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और एनालिसिस ऑफ कॉलोनियल पावर डायनेमिक्स आइडेंटिटी एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी। कुछ टर्म जो हैं वो आप लोगों को याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, जो कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट, कौन से टाइम ड्यूरेशन से, कौन से राइटर से, ये सब चीज़ें मतलब जुड़ी हुई हैं, ठीक है। की फिगर्स, एडवर्ड सैड, होमी के भाभा, एडवर्ड सैड ओरिएंटलिज्म 1978, होमी के भाभा द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994, न्यू हिस्टोरिसिज्म मीनिंग एनालिसिस ऑफ लिटरेचर इन इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को फोकस किया जाता है। फोकस ऑन पावर रिलेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, की फिगर्स जो हैं वो हैं आप लोग स्टीफन ग्रीन ब्लैक, माइकल फुको। इंपॉर्टेंट राइटर्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्टीफन ग्रैन ब्लैक जो थे रिनेसा ऑफ सेल्फ फैशनिंग 1980, माइकल फुको डिसिप्लिन एंड पनिश 1975। इको क्रिटिसिज्म जो है वो काफ़ी नया लेटेस्ट टर्म है, ये फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल थीम्स एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस। इसके जो की फिगर्स हैं वो हैं आपके चैरल ग्लॉट फेल्टी एंड लॉरेंस ब्लू बुल। इसमें आप लोगों की जो बुक्स हैं वो फर्स्ट है आपका ग्लॉट फेल्टी इको क्रिटिसिज्म रीडर 1996, एंड लॉरेंस ब्यूल की द इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसे स्टडी कर लिया, 15 में आप लोगों को बता चुका हूँ कौन कौन से थे, अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में करते हैं इसको, आप लोग लास्ट वाला पार्ट बताता हूँ आप लोग 15 के साथ में, आप लोगों लास्ट पार्ट, क्योंकि बहुत सारा हो रहा है, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बस इतना लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड पार्ट में आप लोगों को जल्दी दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद तुरंत अपलोड कर दूंगा, न्यू क्रिटिसिज्म तक हम लोग आएंगे, 34 है, मीन्स अभी लगभग नियर अबाउट 20 आप लोगों के रह गए हैं, सेकंड पार्ट में करते हैं इसको। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।